अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेमबीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। आज के गेमबीट में हम बात करेंगे स्क्वाश के हवाले से, जूडो के हवाले से, और दो मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे इन दोनों खेलों के हवाले से। उनका ये जो अभी सीज़न चल रहा है, आने वाले दिनों में उनके किन अहदाफ के ऊपर नज़रें हैं, तैयारियाँ कैसी जा रही हैं, इन दिनों क्या कुछ कर रही हैं, उसके साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे आज के इस गेमबीट में सेंट एंथनी में होने वाले स्पोर्ट्स डे के हवाले से। और चेयरमैन वापडा ने हमारे वो खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीत कर आए थे, उनके लिए एक एजाजात देने की और इनामात देने की तकरीब मुनक्कद की, उसका हवाल आप तक पहुंचाएंगे। फिर 48वां मुस्लिम जिमखाना का फेस्टिवल मैच हुआ, जिसमें इंजमामुल हक साहब जो कि चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो वहाँ पर मौजूद थे, तौफीक उमर भी थे, वहाँ का हवाल भी आप तक पहुँचाएँगे। स्पोर्ट्स राउंडअप के दुनिया भर की खेलों में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू करते हुए। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रिफत खान, अस्सलाम वालेकुम रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया। बीनिश खान इनके साथ तशरीफ़ फरमाया, अस्सलाम वालेकुम बीनिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। किस तरह से देख रहे हैं जी स्क्वाश के खिलाड़ी जो आपके साथ खेलने वाले हैं? आज लोग स्क्वाश के हवाले से इतनी अच्छी बात नहीं करते, क्योंकि जब भी बात की जाती है तो वो माजी की कामयाबियों का हवाला दिया जाता है। आप लोगों के ऊपर ये बहुत ज़रूर आता है, भले आप मेंस में हैं या वेमेंस में हैं, गर्ल्स में हैं, बॉयज़ में हैं, वो सब सब के सब लोग आज के स्क्वाश खेलने वालों से ये पूछते हैं कि पाकिस्तान की स्क्वाश नीचे क्यों है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की स्क्वाश वो माजी वाले मुकाम पर कैसे जा सकती है? ऐसे ही जा सकती है कि अगर हम लोगों को सपोर्ट किया जाए, हम लोगों को अच्छी कोचिंग मिली जाए, हमें अच्छा कैंप दिया जाए। हमें हमारा कैंप तब लगाया जाता है जब हमें पता होता है कि हमारा 15 दिन बाद टूर है, उससे 15 दिन पहले हमारा कैंप लग जाता है। तो 15 दिन की ट्रेनिंग और पिछले 3 महीने की ट्रेनिंग में तो फर्क होगा ना। हमारे हम अपनी फेडरेशन से बात करें या एसोसिएशन से बात करें तो वो यही कहते हैं कि हाँ हाँ कैंप लगेगा, कैंप लगेगा, पर जब कैंप जब लगता है, जब हमारे पास लेटर आ जाता है कि अगले महीने ये आपका टूर्नामेंट है, इसके लिए आपको कैंप में आना है। तो कैंप बहुत जरूरी है, कोचिंग बहुत जरूरी है। अगर हमें कैंप अच्छे अच्छे मिलेंगे, अच्छे कोचिंग उसमें मिलेंगी, तो हमें अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अच्छा, आपके ख्याल में जो तैयारियां हमारी होती हैं उनके लिए मुनासिब वक्त मिलता नहीं है कि आप बैन अल-अक़वामी सतह के मुकाबलों में वो कामयाबियां हासिल कर सकें जिनकी लोग तवक्को करते हैं पाकिस्तान के स्क्वाश प्लेयर से? बिल्कुल ऐसा सीन है। अभी हम लोग अभी लास्ट टाइम कोरिया, 2 वीक पहले मैं कोरिया गई हूँ, और वहाँ पे 16 टीमें आई हुई थी, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। उसमें हम लोगों ने सब लड़कियों को अच्छा कंपटीशन दिया। मैंने हांगकांग के साथ, कोरिया के साथ, श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ, उनके साथ मैं लेवल गई हूँ, 3-2, 3-1, 3-2, 3-1 किया। मैं हारी हूँ, पर मैंने उनके साथ मिलकर एक मुकाबला किया। वो पहले ये समझती थी नॉर्मल कि पाकिस्तान की लड़कियाँ कुछ भी नहीं है, तो अब हम जब इसमें एशियन टीम चैंपियन में हम लोग गए हैं कोरिया, हम लोगों ने उनको जाके बताया है कि स्क्वाश अभी लड़कियों की जिंदा है पाकिस्तान की। तो उन्होंने हमें खुद आके बोला, जब ईरान की लड़कियों के साथ हमारा मैच हुआ, श्रीलंकन लड़कियों के साथ मैच हुआ, तो वो आके हमें पूछ रही थी कि यार आप लोगों ने तो कोरिया की लड़कियों के साथ, इतना कोरिया नंबर 2 हुई है एशियन टीम चैंपियनशिप में और हांगकांग नंबर 1 हुई है, हांगकांग नंबर 1 थी रैंकिंग में भी। तो मैंने उन लड़कियों के साथ 3-1 किया था और हमारी बाकी दोनों लड़कियों ने भी अच्छा खेला। तो हम लोगों का सिर्फ ये 1 से 1.5 महीने का कैंप था। अच्छा, कैंप असल आपके कहने का मतलब ये, एक तो कोचिंग का मायार ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, फिर जो ट्रेनिंग का पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। जहाँ तक खिलाड़ियों के हवाले से बात है, अगर हम जहांगीर खान, जानशर खान या जो दूसरे ग्रेट्स हैं वो, ये उनसे अगर कभी बात की जाए तो वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि खिलाड़ियों को अपने तौर पर भी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इधर उधर की चीज़ों के ऊपर देखने की बजाय या उनके ऊपर इक्तफा करने की बजाय खुद से फोकस हो जाएं तो भी नतायज बहुत अच्छे आ सकते हैं। आपको लगता है कि आप या आपके साथी खिलाड़ी या दीगर खिलाड़ी जो इस वक्त स्क्वाश खेल रहे हैं वो भी इतने ज़्यादा फोकस नहीं होते हैं अपनी ट्रेनिंग पर, अपनी फिटनेस पर, अपनी तैयारी पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई नहीं है, ऐसा सीन नहीं है। हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। उनका दौर एक था, उन्होंने बहुत मेहनत की, हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम भी ट्रेनिंग करते हैं। हम सुबह 6 बजे जाते हैं और 12 बजे आते हैं, फिर हम बीच में रेस्ट करके फिर हम 4 बजे जाते हैं, 7 बजे वापस आते हैं। तो मेरा ख्याल है इतना टाइम बहुत है, और हम लोग इतनी ट्रेनिंग करने के बाद जब हमें पता चलता है कि लास्ट में हमारा कोई गोल है ही नहीं, तो हम लोग सेटअप हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि यार हम लोगों का आगे कोई गोल ही नहीं है, तो हम कैसे ट्रेनिंग करें, किस लिए ट्रेनिंग करें। एक होना कि पता हो कि यार ये टूर्नामेंट आपने साल
में 6 टूर्नामेंट खेलने हैं, 6 के 6 टूर्नामेंट में आपने कंपटीशन हिस्सा लेना और वहां पे अच्छा रिजल्ट देना, उसकी फिर हम ट्रेनिंग भी करें। अभी हम जब कोरिया गए हमें पता था कि हम लोगों ने जाना है, हमें कंफर्म पता था, यहाँ तक कि लास्ट टाइम भी हमें ये नहीं पता था कि हमने कोरिया जाना भी है या नहीं जाना, तो वो डबल माइंड एक इंसान को हो जाता है कि यार पता नहीं हमने जाना है या नहीं जाना, तो उसके मुताबिक जब हम ट्रेनिंग करते ना तो आधा फोकस हमारी ट्रेनिंग पे होता है, आधा फोकस हमारा ये होता है कि पता नहीं हमारे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसका ज्यादातर देखा जाए तो अगर हमारा माइंड रिलैक्स है ना तो मेरा ख्याल है कि गेम भी हमारी आगे जा सकती है। इधर-उधर की चीजें भी हैं जो खिलाड़ी को डिस्टर्ब की कारकर्दगी को मुतासर करती हैं, उसकी जो प्लान्स हैं उनको अपनी जगह से हिलाती हैं। जूडो चैंपियनशिप कैसी रही है जी, और किस हद तक आप समझती हैं कि आप लोग इंसाफ कर पाए हैं जो आपने टूर किया है उससे? नहीं, पहली बार जैसे रिफर ने पहले बताया कि हमारा कैंप बहुत शॉर्ट लगता है। अभी भी हम लोग जब गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल 13 दिन का कैंप था, उसमें जाके हमने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो ये है कि हमने काफी अच्छा खेला, क्योंकि अभी 2016 में हम बाहर गए थे जूडो की चैंपियनशिप के लिए और अब गए हैं, मतलब 2018 में, मतलब 2 साल बाद हम बाहर गए हैं कि इतने अरसे में हमारा कोई टूर्नामेंट नहीं था, कोई टूर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और हम लोग बस अपने ओन पे ही जो ट्रेनिंग शेनिंग कर ली या जो भी अपनी फिटनेस कर ली उसी पे थे। लेकिन यह कि हम लोगों को गए हैं अच्छा लगा है कि 2 साल का अरसा अगर आप किसी भी गैर मुल्की दौरे पर ना जाएं, किसी बैन अल-अक़वामी इवेंट में शिरकत ना करें, तो किस हद तक बिलखसूस एक लड़की के लिए मुश्किल होता है कि वो जुड़ी रहे अपनी खेल के साथ? ये चीज़ तो होती है, आपको पता है कि हम लोगों ने एक बनाया होता, हमने जाना है जाना, अभी यहाँ भी जाने के लिए हम लोगों के ट्रायल्स उन्होंने अलहदा रखे, हमारी सिलेक्शन अलहदा हुई, मतलब कि सारा कुछ हुआ, लेकिन हमें ये, हम अपनी फेडरेशन को यही कहते हैं कि जैसे बाहर की लड़कियाँ अभी यहाँ से उनका टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है तो नेक्स्ट वीक उन्होंने कहीं और जाना है या नेक्स्ट मंथ कहीं और जाना, हम 2 साल बाद दूसरा टूर हम लोगों को मिल रहा है, मतलब कि 2 साल बाद जो हमारे साथ लड़कियाँ खेली हैं वो इतनी तरक्की उन लोगों ने 2 साल में किया है, बाहर जाके अपने कैंप्स अटेंड कर रही हैं और मतलब ट्रेनिंग कर रही हैं और उसे क्या कहते हैं जिम्स की अलहदा कर रही हैं, उनके कोचेज बाहर के अलहदा आए हैं, हमारे लिए ना कोई उन्होंने कोचेज हायर किया कुछ भी नहीं, जो हमारे कोचेज थे उन्हीं को बुला के चले जी ट्रेनिंग कर ले, हमने भी जो 10-12 दिन थे हमने भी ट्रेनिंग की और चले गए। ये कि चले एक हम ये चाहते थे कि हमारा हम बाहर जाए हम देखें, हम एक ये साउथ एशियन में ही फंसे हुए हैं कि जी इन लोगों को साथ ही कर लिया, हमें पता है इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, हमने उनसे जीतना होता, हमारा बेसिकली मुकाबला जो पाकिस्तान का होता है वो इंडिया के साथ ही होता है, बाकी जो हमारे हैं हम लोग उनसे ये है कि उनके मुकाबले में आ जाते हैं, लेकिन जो इंडिया होता है उसके साथ हमें पता बस ये इंडिया इसे हराना है, इंडिया को हराना है। ठीक है, कैंप का आपका भी ये ख्याल है कि कैंप ज्यादा होने चाहिए, कोचिंग का भी मसला अपनी जगह पर मौजूद है, जो हमारे नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं साल भर में आपके ख्याल में उनकी तादाद मुनासिब है या फिर उनकी तादाद में भी इजाफा होना चाहिए? ये देखिए 2 साल बाद एक हमारी नेशनल हुई, अब 2017 फरवरी में हमारी नेशनल हुई थी, उसके बाद अब ये 2018 अभी तक कोई टूर्नामेंट नहीं आया। ठीक है, मतलब वो मतलब कि पहले इतनी तवज्जो थी गेम्स पे, अब पता नहीं क्यों उन्होंने गेम्स पे तवज्जो देना ही छोड़ दी, इवेंट देने ही छोड़ दिए कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इवेंट मिले। हालांकि अभी जैसे आप बता रहे हैं ये कॉमनवेल्थ हुई है, कॉमनवेल्थ में हम लोगों के कह रहे थे हम लोगों ने जाना है, हमारे सिलेक्शन का सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने कहा नहीं कोई लड़कियों की टीम ही नहीं जानी, तो ये भी तो होता है ना इस तरह के, हम लोगों को एकदम ही आप लोगों ने आना है ट्रेनिंग करनी है इस तरह करना है और फिर बाद में बता रहे हैं नहीं जाना, फिर बंदा रिलैक्स होकर बैठ जाता है, चलो रहने दो यार, जब जाना ही नहीं है तो अगर हमें पता हो कि जी हमने जाना है वहां से मेडल लेने हैं तो ऑफकोर्स हम लोग उसके लिए तैयारी करेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि रिफत, जब हम स्क्वाश की बात करते हैं, आपने कहा कि हमारे ट्रेनिंग कैंप्स का इशू है, वो लंबे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, आप लोग अपनी पंजाब स्क्वाश वालों से या पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से आप उनसे जब कभी मिलते हैं तो आप उनसे ये मुतालबा उनके सामने रखते हैं कि हमारे कैंप्स ज़रा लंबे किए जाएं, बड़े दौरानिए के किए जाएं, हमारे इवेंट्स की जो नेशनल लेवल की इवेंट्स उनकी बात बात में करता हूँ मैं आपसे, आपने ये बात उनसे की है, उनके सामने रखी है? हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम जो हमारे पिछले सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने तो बिल्कुल 2 साल हमारा कैंप लगा ही नहीं है, बिल्कुल भी 2 साल हमारा कैंप ही नहीं लगा, उसके बाद अभी जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा कैंप लगाया, अभी 1.5 महीने का कैंप हम लोगों ने, 1.5 महीने का कैंप था हमारा जिसमें हमने कोरिया में जाके इतना अच्छा रिजल्ट दिया 1.5 महीने की ट्रेनिंग में, अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने 4 महीने में अगर हम लोग
अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, अच्छा कोच मिले, तो हम लोग अच्छा रिजल्ट बाहर जाके दे सकते हैं, बाहर जाके नहीं इधर भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। हमारी पोजीशन ये होती है कि कोई टाइम ऐसा आता है कि नंबर 5 उठ के नंबर 1 हो जाती है, नंबर 10 उठ के नंबर 1 हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 होते हैं ना, उनको साइड पे कर देते हैं, बाकियों को पकड़ के वो खिला रहे होते हैं, ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, हर चीज करा रहे होते हैं। जो आपके पास एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो एक्सपीरियंस ही होता है, चाहे जो मर्जी कर ले, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वो उनको ज्यादा आपको गाइडेंस देनी चाहिए। हमारे कहाँ हम लोगों के टूर है, हम लोगों का एक एक्सपीरियंस है कि हमने इस लड़की के साथ कैसे खेलना है, क्योंकि हम पिछले साल उसके साथ खेल चुके हैं या पिछले टूर्नामेंट में उसके साथ खेल चुके हैं, तो हमें उसका वीक पॉइंट पता होगा। अगर आप न्यू कमर को लेके जाए, ये नहीं करेंगे सबको मौका मिलना चाहिए, पर आप उसको देखो जो उस पे वहां जाके अच्छा खेले और आपको जिताए, आप वो चीज पहले रखें, उसके बाद में कुछ और करें। अभी एक टूर्नामेंट अभी जीता है आपने, जिसके फाइनल में जब हम उसकी वीडियोस देखते हैं, जिन लोगों ने वहां पर देखा है, वो तो एक्सीडेंट ही होते रहे कोर्ट में दोनों प्लेयर्स के। नहीं ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी होती है कि रफ प्ले हुआ थोड़ा। जो मेरे साथ जोया खालिद थी, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है, और बस उसका ये सीन था कि वो कुछ, क्योंकि हमारी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, अगर हमारी बेसिक अच्छी नहीं है ना, तो बॉल हमारे पे अपने ऊपर आती है, या तो वो स्ट्रोक मिलता है, अगर रेफरी स्ट्रोक ना दे, रेफरी से एक दफा बोलो दो दफा बोलो रेफरी नहीं देता, फिर हम रेफरी को बोलते हैं कि अब हम ट्राई करेंगे, क्योंकि पॉइंट एक पॉइंट अगर आप हार जाओ तो समझे आप पूरी गेम हार जाते हो, क्योंकि 1-1 है ये नहीं, पहले हमारी गेम होती थी 2 पॉइंट लो तो 1 पॉइंट मिलता था, अब 1-1 है, अगर मेरा पॉइंट हार गया तो आपका हो गया, आप हार गए तो मेरा पॉइंट हो गया, तो ऐसा सीन है। तो उसका ये था कि उसकी बेसिक अच्छी है, पता नहीं उसने अब क्या है क्या नहीं, पर वो जो जितनी बोले थी ना वो ऊपर दे रही थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं पहले मैंने एक दो दफा रोका उसे, काफी दफा, पर रेफरी ने मुझे नॉन लेट दी, बिल्कुल नॉन लेट दी, तो मैंने रेफरी को बोला, मैंने कहा मैं ट्राई करूंगी, उन्होंने कहा आप ट्राई करें, अब हमारे रूल्स भी आ गए कि आप बॉल को ट्राई कर सकते हो, चाहे जैसे मर्जी बॉल है, बस प्लेयर को बचा के बाकी आप ट्राई कर सकते हो, तो वो फिर मैंने ट्राई किया। वो आप लोगों को लग रहा है ऐसा सीन हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त, वो चलेंगी वो सारी की सारी चीजें, बॉडी प्ले खासा हुआ उसमें, खासा हुआ बॉडी प्ले खासा हुआ। अच्छा, ये जो चैंपियनशिप आपने अभी 2 साल के अरसे के बाद, जिसका आप बता रही हैं बिनेश के आप गई हैं, इसमें जो आपने तैयारी की थी उसको सामने रखते हुए जब आप कंपटीशन में गए हैं, नतायज उसके मुताबिक आए हैं या इससे बेहतर अगर हो सकते थे तो वो कैसे हो सकते थे? हाँ, ये था कि जितनी हमारी ट्रेनिंग थी उतना हमारा रिजल्ट भी था। अच्छा। हमारा एक हमारा टीम इवेंट भी था और हमारा इंडिविजुअल भी था। इंडिविजुअल में मैंने ब्रॉन्ज लिया, टीम इवेंट में भी हम लोगों ने ब्रॉन्ज लिया। ये था कि अगर हम लोगों को मतलब अच्छी ज्यादा ट्रेनिंग मिलती, 1-2 माह की ट्रेनिंग मिलती, तो हम ये था ब्रॉन्ज से सिल्वर तक आ सकते थे या गोल्ड भी हो सकते थे। इंडिया कुछ इतना अच्छा नहीं है, अगर हम उसके हिसाब से देखा जाए, हमारी पावर्स के हिसाब से देखा जाए, अगर हम बिल्कुल हम लोगों ने ये 10-15 दिन की ट्रेनिंग किया तो हम लोगों ने उन्हें टक्कर की मुकाबला दिया, टक्कर का मुकाबला हुआ। बस अगर ज्यादा से ज्यादा वेट का ऊपर नीचे का मसला था, मतलब मैं ओपन में खेली थी, मेरा वेट 75-76 है और जो मेरे हरीफ थी इंडिया की लड़की उसका 105 किलो वेट था। अच्छा। okay, इतना वो डिफरेंट था ना, हाइट का भी और वेट का भी, हम उसकी वजह से आ रहे। अगर हमारी ट्रेनिंग होती और हमारी पावर्स वगैरह में होती, हमारे जिम्स वगैरह होते, तो हम उनसे जीत सकते थे। नाज़रीन इकराम, एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर इन दोनों खिलाड़ियों से और जो दीगर चीजें हमने आपके साथ की हैं, बिनेश भी हैं, जूडो के हवाले से भी बात चल रही है, क्या मसाइल हैं, किस तरह से पाकिस्तान में ख्वातीन की खेलों को बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से ज्यादा मौके उनके लिए पैदा किए जा सकते हैं, किन सहूलियात की कमी है, अगर वो मुहैया की जाए तो नतायज बेहतर आ सकते हैं कौमी सतह पर भी, बैन अवी सतह पर भी, इस पर हम आगे बढ़ाएंगे बातचीत को। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं उस तकरीब का हवाल बताते हैं जो चेयरमैन बाबडा की तरफ से, जिसका इनेकाद हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों के एजाज़ में, ये वेटलिफ्टर्स थे और उसके साथ साथ जो रेसलर्स थे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में और इन्हीं 2 खेलों में पाकिस्तान मेडल्स जीतने में कामयाब हुआ। इनाम भट्ट ने गोल्ड मेडल जीता उनके साथ, तैयब रजावान, मोहम्मद बिलाल, ये लोग थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिए, फिर
नू दस्तगीर बट और तलहा तालिब, इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए मेडल्स वेट लिफ्टिंग में जीते। अब देखना यह है कि इन खिलाड़ियों की आने वाले दिनों में, अब यकीनन इन सब के सब की नज़रें एशियन गेम्स के ऊपर हैं, वहाँ पर मुकाबला और ज़्यादा सख्त होगा। इन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की, बेहतर ट्रेनिंग की और कोचिंग की ज़रूरत है, जिस तरह के यहाँ पर भी इसी हवाले से बात हुई है कि कैंप अच्छे होने चाहिए, ट्रेनिंग का मायार अच्छा होना चाहिए, कोचिंग अच्छे सतह की मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो गजाई मामलात हैं, जो डाइट है, वो भी खिलाड़ियों की बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो दीगर मसाइल हैं खेल से हट के, खिलाड़ी उस तरफ उसमें ना उलझा रहे, बेहतर तरीके से तैयारी करे तो नतायज बेहतर आते हैं। बहरहाल ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीतने के बाद जब ये खिलाड़ी वतन वापस आए, इन्हें किसी हद तक पजीराई मिली है, इनकी हौसला अफजाई हुई है, इसको ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, इसका जो खिलाड़ियों की तरफ तवज्जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो आने वाले दिनों में भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन खिलाड़ियों से जो कारकर्दगी है वो ले सकते हैं। देखते हैं जी चेयरमैन वाबडा ने क्या कहा इन मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के हवाले से, और मजमूई तौर पर तकरीब कैसी थी। 21वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान वाबडा की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब वाबडा हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन थे। चेयरमैन वाबडा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चेयरमैन वाबडा का कहना था कि इनामात का मकसद मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। वाबडा एक इदारे की हैसियत से इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। वाबडा का जो स्पोर्ट्स सेटअप है लाहौर में, वी हैव अ प्लेस फॉर अबाउट 700 स्पोर्ट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स टू लिव देयर। हमारे वाप वहाँ पे वेल डिफाइंड जिम हैं, बड़े टेक्निकली डेवलप्ड जिम्स वहाँ मौजूद हैं, ट्रेनिंग सेशंस वहाँ पे होते हैं, इंटरनेशनल कोचेज हम बनाते हैं, और वाबडा की जो स्कीम्स हैं जहाँ पे हम यंग बच्चों को वाबडा एम्प्लॉयमेंट्स के होते हैं वो पाकिस्तान में उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और जो दो मेडल्स आपने देखे हैं वही बच्चे हैं जो पाकिस्तान ने आज से वाबडा ने आज से 5-10 साल पहले उनको आइडेंटिफाई किया था, उनको ट्रेन किया और उनको यहाँ पे पहुँचाया। बाद हजा उन्होंने वाबडा की तरफ से एक हाउसिंग सोसाइटी का ऐलान भी किया, जिसमें गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। वापस आते हैं जी और बात करते हैं हम बीनिश से। मुझे ये बताइएगा बीनिश के, जब हम किन चीज़ों की आपके ख्याल में ज़रूरत है कि जूडो, जो कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी बड़ा इसका हम सुनते हैं, ये तो किस हद तक आपको ये आम जिंदगी में कभी आपको पेश इसकी ज़रूरत पेश आई है सेल्फ डिफेंस की? आपको पता ऑफकोर्स हम लड़कियाँ इसकी ज़रूरत तो हमेशा पेश आती रहती। अच्छा, और बस कहीं आपको राह चलते इसका मुजाहरा तो नहीं करना पड़ा कभी? बहुत दफा। अच्छा, लेकिन जब मतलब आपको पता नहीं होता कि हाँ ये लड़कियां क्या है क्या नहीं, जब पढ़ती है उन्हें फिर भी पता चलता है। अच्छा, ये भी मारा है इन्होंने काफी दफा, ये और मेरी बड़ी सिस्टर। अच्छा। जा रही थी बस में ट्रेवल कर रही थी। अच्छा। तो वहां पे किसी लड़के ने ना आप ही को छेड़ा, तो आप ही ने इग्नोर किया पहला, आप ही कहती कोई बात नहीं, दूसरी दफा इग्नोर किया, तीसरी दफा जब आप ही अपने स्टॉप पे उतरी घर, तो वो पीछे पीछे आ रहा था। अच्छा। तो दोबारा पीछे पीछे जब आया ना, तो उसने दोबारा आगे चला, इन दोनों ने इतनी जोर से किक मारी है कि वो दुकान की जो शटर होता ना उसके अंदर जाके लगा, दोनों पड़ी उसको मुक्के हमारे, वो खून लेके घर में फेस सारा उसका फटा हुआ है और वो पूरा खूनम खून हुआ हुआ, और उससे उसने कहीं से पता किया कि ये लड़कियां कौन थी ना, फिर उसने बताया, तो वो फिर हमारे घर तक आया। मेरे अबू ने कहा मेरी बेटियों ने ऐसे धोनी मारा होगा, कोई ना कोई वजह जरूर है जो मेरी बेटियों ने इनको मारा है। खूब गुस्सा निकाला और इन्होंने घर आके बताया भी नहीं है। अच्छा। और दरवाजे पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इन्होंने आके बताया भी नहीं कि आके बंदा बता देता है कि हमारी लड़ाई हुई है घर में, सो बंद हो जाता है, इन्होंने नहीं बताया। अबू ने जाके दरवाजा खोला तो बाहर इतना आदमी के, ये देखो ये लड़कों को मार कर आई है, ये क्या? तो इन्होंने फिर बाहर निकल के बोला कि जब ये छेड़ेंगे तो हम दोनों इनको मारेंगे ना, तो क्या चुप करके हम वहां से गुजर आए? तो फिर उन्होंने बहुत मारा, खूब गुस्सा आपने दोनों निकाला। बचाने वाले नहीं आए थे साथ में कोई लोग? जो बचाने वाले थे उनको भी पड़ी है, वो लड़के बचाने वाले थे उनको भी पड़ी है, वो हमारी गली के थे इसलिए वो हमारी तरफ आए थे कि इन्होंने उसको तो चलो सो मारा, इनको क्यों मारा? तो वो कह रही कि इन लोगों ने बोला कि जब वो छेड़ है तो आप लोग उसको बजाय उसका साथ हमारा साथ देने के बजाय आप उसका साथ दे रहे हो, वो इनको इनको पकड़ रहा था यूं करके, तो इन्होंने पीछे से घुमा के किक मारी, इनको ही पता होगा कैसे इन्होंने किक मारी। अच्छा रिफत, ये पाकिस्तान जो कोचिंग की आपने बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिएट्स हैं,
आपको कभी इनके साथ कुछ मौका मिला है उनके तजर्बे से कुछ हासिल करने का, या उनका जो उन्होंने खेल के मैदान में हासिल किया है अमली तौर पर उन्होंने कभी आपकी रहनुमाई की, ट्रेनिंग की, तरबियत की, कभी आपको मौका मिला है इस तरह का? कभी मिला तो नहीं है, और यही हमेशा यही थी कि हम फाइनल में जाएंगे। सर जान शेर खान, जंगीर खान एज अ चीफ गेस्ट बनकर आए, हमेशा वो आए और उन्होंने हमें हमेशा ट्रॉफी दी, तो यही दिल होता था कि काश वो आके हमें ये बता दें कि ड्रॉप कैसे खेलना है, लॉब कैसे खेलना है, आपने ट्रेनिंग कैसे करनी है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे किस तरह पहुँचे, ये चीज़ें उनको हमें बतानी चाहिए, ताकि हम लोग जब हम उन्हें देखते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमने भी जान शेर खान की तरह बनना है, जंगीर खान की तरह बनना है। वो हम अक्सर मैं बैठी होती हूँ तो मैं उनकी वीडियो निकाल के देख रही होती हूँ, वीडियो निकाल के देखना और एक रेल में समझाना दो मुख्तलिफ चीज़ें। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वो जब भी यहाँ पे आए खासतौर पर वुमेन पे ज़्यादा तवज्जा दें, ताकि उनको पता हो कि हमने कैसे खेलना है, क्योंकि कुछ कोच होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट पे ट्रेनिंग कराते हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग होती है वो करवाते हैं, और कुछ कोच होते हैं जो बेसिक करवाते हैं, और जो हमने बाहर जाके कोचिंग देखी है ना वो कोचिंग सिर्फ बेसिक होती है। अगर आपकी बेसिक अच्छी है ना तो आप सबसे अच्छे प्लेयर हैं। और हमारे यहाँ पे होते हैं, हमारे यहाँ पे अब आके हमारे जो नए सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने अब आके एक कोच मंगाया है, सर यासीन, इंग्लैंड से वो बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे आए, उनके अंडर हम लोगों ने 1.5 महीना ट्रेनिंग किया, उन्होंने हमें सिर्फ बेसिक पे काम करवाया और वो बहुत अच्छी थी बेसिक। जब हम लोग खेल रहे थे तो हमारे जहन में यही था कि हमने सिर्फ इसको पीछे लेके जाना है, जो हमें रिटर्न बॉल मिलेगी हमने उसको आगे रखना। अगर आपकी बेसिक अच्छी है ना तो आपको आप समझें कि आपको आप सबसे अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, आप आपका ये मानना है कि जहांगीर खान और जानशेर खान आपके इवेंट्स के ऊपर एक चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक तो ज़रूर होते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि जब कभी भी वो यहाँ पर आएँ तो कुछ ट्रेनिंग सेशन भी आपके साथ उनके रखे जाएं। बिल्कुल, जानशेर खान, जंगीर खान सर तो आते हैं, बट इनमें से जो सबसे अच्छे हैं, जो हमें हमेशा गाइडेंस देते हैं, वो सर कमर जुमान है। उन्होंने हमेशा हमें समझाया, जब भी हम लोग कोई गलत पीछे बैठे होते थे ना तो उन्हें हम बॉल गलत मार रहे होते ना, जो प्लेयर होता ना उसको पता होता है कि बॉल गलत मार है तो वो अपनी सीट पर बैठ नहीं सकता, तो वो आ जाते थे, अंदर आ जाते थे कि नहीं आप ये बॉल गलत मार रही हो, ये बॉल मारो, सर कमर जुमान ने हमेशा समझाया। और जानशेर खान, जंगीर सर को भी मैं यही कहूंगी कि जब हमें देखे, आप हमें थोड़ा सा खेलते हुए देखे, उन्होंने हमेशा हमारे मैच देखे हैं, उन्होंने हमें शाबाश भी दिया, पर हमें उनके साथ एक दो कैंप देने चाहिए, सेशन होने चाहिए ताकि आपके खेल में निखार आए और खामियां खत्म हो। अच्छा, कितने दिन का जो दौरानिया है ट्रेनिंग कैंप का, वो आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? तकरीबन मैक्सिमम या मिनिमम लगा लें कि 3 मंथ से लेकर ना मतलब 10 मंथ तक होना चाहिए, कि मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 10 मंथ, मतलब इतना मतलब आपके ख्याल में पूरे साल एक्टिविटी रहनी चाहिए, एक्टिविटी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जब एक इवेंट है, अब देखिए जैसे एशियन गेम्स का आ रहा है जगार तक, अभी तक हम घर में बैठे हुए हैं, मतलब अगस्त में 18 अगस्त को इवेंट आया और अब मई शुरू हो गया और अभी तक कोई हमारा कैंप का कोई मतलब है ही नहीं कि कैंप लगना है नहीं लगना, बस सिलेक्शन है जी, आप लोगों की सिलेक्शन है, जाना है, ठीक है, एक कैंप होने चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हम वहां जाएं, हम ट्रेनिंग करें, बाहर के मुल्कों में देखें, उन्होंने कोचेज हायर किए हैं, ट्रेनिंग के लिए भी बाहर जाना चाहिए या फिर कोच मंगवा लेना नहीं, चाहिए? नहीं, अगर देखें कि जो प्लेयर ज्यादा हम लोग मतलब आपको पता कि 5-6 लोग ज्यादा अच्छे हैं जो बाहर जाके इवेंट खेलते रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा बाहर भेजना चाहिए, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है उनके लिए तो कोचेज आने चाहिए ना, क्योंकि उन लोगों को भी सीखना चाहिए। अब हम आके उन्हें बताते हैं, एक दफा बताते हैं, दो दफा, फिर हम लोगों ने भी अपनी भी ट्रेनिंग करनी होती है, उनके लिए आने चाहिए कि एक कोचेज से अगर हम बाहर जाके हम 6 लोग जा रहे हैं, वहां से एक कोचेज मंगा के हम यहाँ 100 लोग ट्रेनिंग कर, बाहर से मंगवा लिया जाए तो वो भी बेहतर हो सकता है। हमारी गुफ्तगू जारी है मेहमानों के साथ, नाज़रीन इकराम, आपको हमने अपडेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों के हवाले से, अब हम आपको बताते हैं सेंट एंथनी में होने वाले स्पोर्ट्स डे का हवाल, और आप देखें स्पोर्ट्स डे में बच्चे किस तरह से, ये सबसे अहम चीज़ है, और जो सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि हमारे तालीमी इदारों में जो खेलों की सरगर्मियां हैं वो साल में एक दिन तक उसको महदूद कर दिया गया है, साल में एक दिन आपने स्पोर्ट्स डे करवा लिया है, स्पोर्ट्स गाला करवा लिया है, फन डे करवा लिया है, इससे किसी भी तौर पर खेलें तरक्की नहीं कर सकती हैं। हमें ज़रूरत यह है कि हमारे तालीमी इदारों में मुस्तकिल बुनियादों पर खेल
का फ़रोग होना चाहिए, खेलों के मुकाबले होने चाहिए, ताकि तालीम के साथ साथ बच्चे अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए खेल के मैदान में नजर आएँ। देखें सेंट एंथनी में होने वाले स्पोर्ट्स का अलग अहवाल। सेंट एंथनी स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, बच्चों ने काफ़ी लुत्फानंदोज़ होकर खेलों में हिस्सा लिया। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती रहनी चाहिए ताकि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशनुमा हो सके। सेंट एंथनीज हाई स्कूल को इस साल 126 साल हो गए हैं और ये 126वां सालाना स्पोर्ट्स गाला है और हम बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि बच्चे ना सिर्फ जहनी तौर पर जिस्मानी तौर पर भी एक ऐसी ताकत ऐसी कुव्वत हासिल करें ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें और गेम्स के साथ साथ जो है कि वो एक मुहब्बे वतन शहरी बन सकें, क्योंकि गेम्स से डिसिप्लिन बनता है और ये जहनी नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर होता है। जी नाज़रीन किराम, आपने देखा है बच्चों को खेलता देखते हुए और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको उन खेलों में, ये ऐसी उम्र है कि अगर आप यहीं से उनको शनाख्त कर लें कि किस खेल में अच्छा है, कोई एथलेटिक्स में अच्छा है, कोई बैडमिंटन अच्छी खेलता है, कोई कराटे में अच्छा है, कोई जूडो में अच्छा है, अब ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर इसी सतह पर उनकी शनाख्त कर ली जाए, फिर उनकी ट्रेनिंग की जाए साथ को, इसी सतह पर उनको अच्छी कोचिंग मुहैया की जाए, तो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ उनका जोश बढ़ेगा, शौक बढ़ेगा, जज्बा बढ़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ उनकी सलाहियतें भी निखर कर सामने आएंगी। जब वो 15-16 साल के हो जाएंगे उस वक्त आप उनको बेसिक सिखाना शुरू करेंगे तो वो कभी भी दुनिया के खिलाड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यहीं से इन पर काम किया जाए, इनको सहूलियात दी जाए, इनकी ट्रेनिंग की जाए, तो ये कोई शक नहीं है कि जब ये जैसे जैसे अपनी उम्र में आगे जाते जाएंगे, तालीम में आगे बढ़ते जाएंगे, जब ये 17-18 साल की होंगे, बात हम कर रहे हैं अपने मेहमानों से और साथ साथ आपको जो भी पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ चल रही हैं उस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। अच्छा जी रिफत, मुझे बताया गया कि ये जो अभी हाल ही में आपका इवेंट हुआ है जिसमें आपने कामयाबी हासिल की है, साल भर में कितने इवेंट्स होने चाहिए आपके ख्याल में जिसमें वुमेन्स स्क्वॉश प्लेयर्स को जो सारा साल मुतहर्रिक रखें, उनकी तादाद कितनी होनी चाहिए कि उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी काम होता रहे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी काम होता रहे, ये है नेशनल लेवल की इवेंट्स। जी कम से कम जैसे साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे कम से कम हमारे भी 6 से 7 टूर्नामेंट, 6 से 7 जो नेशनल इवेंट्स हैं नेशनल इवेंट होने चाहिए। अब देखें बिल्कुल 4 महीने बाद अब हमारा एक नेशनल इवेंट आया, अब 4 महीने बाद फिर एक आएगा, तो फिर 4 महीने हमें साल में 3 टूर्नामेंट मिलते हैं, वो भी कुछ पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, वो भी सारा डिपेंड करता है हमारी फेडरेशन पे, हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, हमें स्पॉन्सर नहीं है, हम जब भी बात करते हैं फेडरेशन से कि हमारा नेशनल इवेंट करवाएं ताकि हम लोगों को भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, नेशनल जब हम नेशनल चैंपियन बनते हैं तो हमें काफ़ी जगहों से कॉल्स आती हैं एज अ स्पॉन्सर ले लें मीडिया से, और अपने जब मैं डिपार्टमेंट से खेलती हूँ वहाँ से हमें कॉल आती हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी नेशनल इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हम लोगों को अच्छा मौका भी मिले खेलने का, और सब लड़कियों का ये एक ही होता है क्योंकि हमारा ज़्यादातर इवेंट जो होते हैं ना वो कराची में होते हैं, तो अब कराची के अलावा हमारे और कहीं इवेंट नहीं होते, तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि हर जगह इवेंट करवाएं ताकि हमें लाहौर में भी हो, इस्लामाबाद में भी हो, कराची में भी हो, पेशावर में भी हो। बिल्कुल, अब देखिए हम इस्लाम अभी ये जो लाहौर में टूर्नामेंट हुआ इधर से मुजफ्फरगढ़ से भी लड़कियां आई हैं और आई थिंक सो मुल्तान की थी, इधर से छोटे छोटे गांव से भी लड़कियां आई हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि स्क्वाश की लड़कियां वहां से भी आएंगी और वहां से अब आ रही हैं, काफी खुशी हुई जब वो आई, और एक बच्ची का तो मेरे साथ मैच था पहली जो थी मुजफ्फरगढ़ की लड़की थी, तो वो जब मेरे साथ खेली उसे नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी चैंपियन हूँ ना, तो वो मेरे साथ कोर्ट में आई है, तो मैंने जब बोले मारी तो वो डर गई, तो मुझे कहती है मुझे आप आराम से खिलाना, मैंने कहा हाँ मैं आपको बिल्कुल आराम, मैं उसे आराम से खिलाते खिलाते वो मुझे पड़ गई, वो 11-5, 11-6, 11 ऐसे उसने मेरे से स्कोर किया, तो मुझे काफी खुशी हुई कि यार स्क्वाश पहले सिर्फ कराची लाहौर इस्लामाबाद में घूम रही थी, अब मुजफ्फरगढ़ मुल्तान फैसलाबाद हर जगह से लड़कियां आ रही, बहुत अच्छी बात है। स्क्वाश को ज्यादा से ज्यादा मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि स्क्वाश को जरा ज्यादा से ज्यादा दिखाएं, मैच हमारे मैच नहीं दिखाए जाते, लाइव मैच बिल्कुल नहीं कभी दिखाया किसी को, मैच लाती हूँ बाइक, तो जब मैं घर से क्लब आती ना तो मैंने बैग टांगा होता है, तो मुझसे ना अक्सर लोग रास्ते में खड़े होकर पूछते हैं आप क्रिकेट प्लेयर हैं, मैंने कहा भाई क्रिकेट के अलावा भी कोई और चीज है, आप स्क्वाश देख लें, बॉक्सिंग देख लें, बैडमिंटन देख लें, जूडो देख लें, किसी को पता ही नहीं है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट होगी ज्यादा से ज्यादा सब जगह मिले ताकि लोग आपसे पूछते हैं क्रिकेट खेलते हैं आपको पहचान नहीं, स्क्वाश खेलती हैं, हाँ स्क्वाश खेलती हैं, बिल्कुल पहचान हो थोड़ी सी हमारी। अच्छा जी अब आपकी आइंदा क्या मसरूफियात हैं, किन इवेंट्स के लिए तैयारी आपने करनी है?
अभी तो फिलहाल वो है एशियन गेम की है जो जगार्ता में हो रही है, अभी वही आपको बता रहे हैं हम लोग यहाँ बैठे हुए, अभी हमारा कैंप नहीं लगा और अगस्त में 18 अगस्त को हमारी चैंपियनशिप है जगार्ता में, तैयारी तो हम लोगों ने इसी चीज की ही करनी है। अच्छा, तैयारी एशियन गेम्स की है लेकिन कैंप नहीं लगा, कैंप आपको नहीं लगा। लगता है कि आप चले जाएंगे एशियन गेम्स में? लेकिन जो मतलब अगर हमारा रिकॉर्ड देखा जाए तो हम लोग तो मतलब पीछे रिकॉर्ड हमारा सारा बहुत अच्छा है कि हम लोग किसी भी इवेंट में गए हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात का शुक्र है, कभी भी हम खाली हाथ नहीं आए, मेडल हमेशा हुआ है, बेशक ब्रॉन्ज है सिल्वर है कोई भी हुआ, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब देखिये जहाँ जो इतनी मेहनत करती है उन लोगों के साथ आगे अगर हम 10-15 दिन या एक माह की ट्रेनिंग में हम उनके लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं, उनसे मेडल ले लेते हैं, तो अब ये देखें कि वो कहती हैं यार हम लोगों ने तो साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम तो बाहर जाके ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, तो हम उन्हें हम जो मेरे साथ लड़की थी उसे मैंने कहा कि यार मैं ना सिर्फ 10-12 दिन की ट्रेनिंग है और मैं आपके साथ आकर टूर्नामेंट करी, वो कह रही मैं मान ही नहीं सकती, मैं 2 साल से मेरे बाहर के कोच आए हैं और मैं उनसे ट्रेनिंग कर रही हूँ और आप मेरे साथ इतनी टफ फाइट कैसे कर सकती हैं? ठीक, 2 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ और आप इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकती हैं? अब देखते हैं जी, हम मुस्लिम जिमखाना का 48वां फेस्टिवल मैच, मियां मोहम्मद असलम साहब जो कि पाकिस्तान के अंपायर रहे हैं, ICC में भी उन्होंने पाकिस्तान की अंपायरिंग के शोबे में नुमाइंदगी की है, उस हवाले से एक हर साल ये अपने क्लब का फेस्टिवल मैच करवाते हैं जिसमें इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं ये अपने सीनियर्स के साथ मिलें। इंजमामुल हक साहब वहाँ पर मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक थे। मुस्लिम जिमखाना का 48वां फेस्टिवल मैच, उसका अहवाल आइए देखते हैं। LCCA ग्राउंड में मुस्लिम जिमखाना की जानिब से सालाना नुमाइशी मेले का इनेकाद किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगु करते हुए इंजमामुल हक ने कहा कि जब उन्होंने ओहदा संभाला तो इन्हें नया टैलेंट सामने लाने का टास्क दिया गया। मैं किसी एक भी प्लेयर की या इमाम की परफॉर्मेंस नहीं देख रहा, कोई भी लड़का परफॉर्मेंस अच्छी देता है उसकी खुशी होती है, लेकिन सारों से ज़्यादा ये कि जी हमारी पूरी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे, हम मैचेस जीतें, ये हमारा मेन वो चीज़ है, और इंशाल्लाह जो दूसरे लड़के गए हैं वो भी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं वो भी इन बच्चों के साथ आए खेले हैं ताकि वो भी उनमें वही अपना अपनियत आए ताकि वो भी अच्छे क्रिकेटर बने, तो ये हम खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान के साबका कप्तान इंजमामुल हक साहब भी हमारे मतलब है क्लब के करता रहता है, तो फीक उमर है, मशदाद है। टीम की अब तक की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। हमारा जो फेस्टिवल मैच है ये हर साल होता है और इसका क्रेडिट जो है मियां असलम साहब जो हैं जो मेरे कोच भी हैं और जहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी उनको जाता है। हर साल यहाँ पे ये इसलिए करवाया जाता है कि जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं वो सारे इकट्ठे हों और एक आपस में मैच खेलें। सारी टीम इसी उस पर जाती है क्योंकि जी हम जहाँ भी जा रहे हैं जीत के आएंगे, ये सारों को पता है कि ये टफ सीरीज़ है और स्पेशली इंग्लैंड में फर्स्ट हाफ में जा रहे हैं जहाँ बॉल ज़्यादा मूव होता है, ज़्यादा स्विंग होता है बैट्समैनों के लिए और जो स्पेशली सबकॉन्टिनेंट की टीमें होती हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन इसके बावजूद भी टीम मेरे ख्याल में अच्छी है और हमारी टीम में ये वाली सलाहियत है कि जी हम इंग्लैंड को इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंग्लैंड में हरा सकते हैं। देखिए जी, आपने मुस्लिम जिमखाना, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला अगर क्रिकेट मसाइल तो हर जगह पर मौजूद है लेकिन क्रिकेट के लिए जो मसला है वो ये है कि क्लब क्रिकेट हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में इसका ढांचा कमज़ोर होता जा रहा है, क्लब क्रिकेट के ऊपर लोगों की तवज्जो कम होती जा रही है, हालाँकि ये यही वो बुनियादी नर्सरी है जहाँ से पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत अजीम खिलाड़ी मिले हैं, वो तमाम क्लब ऑर्गेनाइज़र क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र जो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जो इसके मुंतज़िम हैं उनके लिए अभी एक लम्हा फिक्रिया है कि आखिर किस किस्म के इकदाम की ज़रूरत है कि क्लब क्रिकेट को दोबारा ज़िंदा किया जाए और किस तरह से मुकाबलों का इनेकाद करवाया जाए। क्रिकेट जैसे खेल में अगर इस किस्म के मसाइल का सामना है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो होती है, नज़र होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, इन तमाम वसाइल की मौजूदगी में भी अगर मसाइल हैं तो फिर देखना यह है कि असल मसला कहाँ पर है। वापस आते हैं अपने मेहमानों की तरफ, आपकी क्या मसरूफियात हैं आने वाले दिनों में? आपने भी एक टूर्नामेंट ये जीता है, अब इसके बाद 4 महीने आपने इंतजार करना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी 2 दिन बाद मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, ये हमारा इंटरनेशनल इवेंट है बॉयज़ का और गर्ल्स का, तो इसमें है उम्मीद के इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट में जीतूँ। अभी हमारा ये है कि अब
ये 2-3 महीने में हमारे 2-3 टूर्नामेंट हमें मिल रहे हैं। ईद के बाद भी हमारा SNGPL टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं पता, बट ये है कि 3-4 टूर्नामेंट हमें ऊपर नीचे मिल गए हैं। इतामी टूर्नामेंट 3-4 टूर्नामेंट ऊपर तले हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपने जो बात की है कि सिर्फ एक ही जगह पर टूर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, लाहौर से हटके या कराची से हटके, आपने कहा कि कराची में ज़्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, आपका ये ख्याल क्यों है कि हर जगह पर टूर्नामेंट्स होने चाहिए, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि एक तो हमें कोर्ट का पता चलेगा कि कोर्ट किस तरह के हैं, और दूसरी बात यह कि कराची में स्पॉन्सर बहुत होते हैं टूर्नामेंट को। जो अभी लास्ट टाइम हमारा डीजी रेंजर्स हुआ था, ये 5 लाख का इवेंट हुआ था हमारा, तो स्पॉन्सर नहीं। अभी जो हमारा ये लाहौर में हुआ था, ये हमारा 1 लाख का हुआ था, तो स्पॉन्सर जितने, जहाँ ज़्यादा स्पॉन्सर मिलेंगे ना, वहाँ टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो कराची में, एक तो कराची सिटी काफ़ी बड़ी है, तो स्पॉन्सर भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इनामी रकम बढ़नी चाहिए, बिल्कुल, ये तो सबसे पहले है। इनामी रकम बढ़नी चाहिए, बिल्कुल, ये तो हमारा ये होता है कि जितने स्पॉन्सर होते हैं वो अपने मुताबिक देते हैं, तो वो टोटल प्राइज मनी मिला के वो रखते हैं। अभी इस्लामाबाद का भी हमारा 5 लाख का इवेंट आई है, कि जो 5 लाख लड़कियों का है और 10 लाख लड़कों का, तो इस्लामाबाद में भी कम होते हैं, लाहौर में 1-2 हो जाते हैं, या SNGPL करवाते हैं, या हमारा ये पंजाब स्कॉच कॉम्प्लेक्स करवाते हैं। पर यह है कि स्पॉन्सर नहीं होते, रकम इतनी कम होती है, हम इतनी मेहनत करते हैं 32 लड़कियों को हरा के एक नंबर वन बनना, और फिर भी आके प्राइज जब पता चलती है तो इतना अजीब सा लगता है कि हाँ हमें इतनी सी प्राइज मिली, हमने इतना दिन रात मेहनत की। अभी मैंने इस टूर्नामेंट के लिए, और अभी जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, सुबह से लेकर मैं शाम तक बस मेहनत ही करती रहती हूँ। बल्कि आज मैंने ऑफ किया है ट्रेनिंग से, अभी यहाँ से जाऊँगी तो ट्रेनिंग करूँगी जाके, क्योंकि एक दिन भी इंसान छुट्टी कर लेना दोबारा वो जीरो पे आ जाता है। तो इस वजह से कंटिन्यू इंशाल्लाह रमजान में भी करूंगी, और क्योंकि रमजान के बाद भी इवेंट है, और मेरी खुद भी कोशिश है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके भी कुछ लीग्स खेलूं। टूर्नामेंट्स तो मैं खेल नहीं सकती, क्योंकि टूर्नामेंट्स के लिए मुझे पहले से मेंबरशिप करवानी पड़ेगी, फिर मुझे टिकट लेनी पड़ेगी, महंगा तो काम है, बहुत महंगा। तो मुझे जितनी अगर स्पॉन्सर मिल जाए तो आसान हो सकता है, स्पॉन्सर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्पॉन्सर वालों को ये होता है कि एक तो उनका नाम हो जाता है, दूसरा ये है कि वो हमें हर चीज देते हैं, टिकट देते हैं, आपकी सारी चीजें फिर उनके जिम्मे आ जाती हैं, कि आपकी जितनी भी ट्रैवलिंग है, जो आपकी जरूरियात है, वो सारी की सारी उसके ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हो सकता है हो जाए। अच्छा बेनिश, मुझे ये बताइएगा कि किस हद तक मुश्किल है 2 साल बाद किसी एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाना, और फिर नेशनल लेवल पे जो हमने इनसे भी बात की है रिफत से, कि कितने इवेंट्स आपके ख्याल में एक साल में जूडो के लिए होने चाहिए, ताकि आप लोग एक तो अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर फोकस रह पाएं, और फिर आपको वक्तन फवक्तन एक मुनासिब से वक्त के बाद अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका भी मिलता रहे। जी और कुछ नहीं, तो कि साल में 4 टूर्नामेंट तो होने चाहिए। आप देखें वो 4, उनके 4 हो रहे हैं, वो 4 से खुश नहीं है। आप लगता है, मेरा ख्याल है कि साल बाद एक मिलता तो आप इसलिए करें, और नहीं तो कम से कम 4 चार तो होने चाहिए ना। मतलब हम लोगों ने पूरे साल में, पिछले जो साल गुजरा 2017 उसमें सिर्फ हमने एक टूर्नामेंट खेला, वो भी फरवरी में नेशनल, उसके बाद नेशनल गेम्स की अनाउंसमेंट थी, वो कोई नहीं हुई, उसके बाद काफी बीच में टूर्नामेंट थे, एशियन है, ये है, वो है, कोई हम लोगों को टूर्नामेंट नहीं मिला। बस जब भी सुनते थे खुशी होती थी, अच्छा हम, हालांकि लोग कहते हैं अच्छा टूर्नामेंट आ रहा है, ये है वो है, इस तरह हम लोगों को तो खुशी होती है, यार हम लोगों ने मेहनत करनी है, हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग जीत के आएंगे। हमारा ये, हमारे में ये चीज होती है कि हम ये नहीं सोचते यार ये बस चलो जी इतनी रैंकिंग आ गई या ये एशिया में हो गई है, हम कहते नहीं हम मेडल लेके आए, क्योंकि ऑलरेडी हम मेडलिस्ट पे हमेशा होते हैं। 4 टूर्नामेंट आपके ख्याल में साल में जरूर होने चाहिए, साल में जरूर होने चाहिए। अच्छा ठीक है जी, देखते हैं कि अब 2018 में आपको कितने इवेंट्स मिलते हैं, और आपको 2018 में अब इसके बाद क्या क्या मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाइए, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी तशरीफ लाइए। नाजिन, मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुन ली है, लेकिन दुनिया भर की खेलों की खबरों में, खेलों के मैदानों में क्या होता रहा है, उस हवाले से स्पोर्ट्स राउंडअप आपको यकीनन पसंद आएगा। आप स्पोर्ट्स राउंडअप देखें। हाफिज मोहम्मद इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ इजाजत।